नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉली ग्रांड प्रॉपर्टीज की एक और शानदार वीडियो में। आज हम एक खास जगह आए हैं। सबसे पहले तो आसपास की वादियां चेक कर लीजिए, लोकेशन चेक कीजिए, क्या शानदार जगह है, क्या शानदार नज़ारे हैं। इस वक्त हम जॉली ग्रांड एयरपोर्ट से मुश्किल से 20 किलोमीटर की दूरी पर हैं। जी हाँ, जॉली ग्रांड एयरपोर्ट से, जॉली ग्रांड मेन सिटी से हम केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर हैं और रानी पोखरी जो मेन चौक है उससे यहाँ की डिस्टेंस लगभग 18 किलोमीटर है। जी हाँ, हम इस वक्त हैं इठारना में और अभी हम इठारना महादेव मंदिर के परिसर में हैं। हमारे ठीक सामने महादेव का सुप्रसिद्ध मंदिर है जहाँ 12 के 12 महीने श्रद्धालुओं की भीड़ बनी रहती है। यहाँ का क्लाइमेट हमेशा ही काफी अच्छा रहता है। इस वक्त भी दिन के लगभग 2 बज रहे हैं और जून के महीने में बहुत ठंडी हवा यहाँ पर चल रही है। धूप पूरी खिली हुई है लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ का जो मौसम है बहुत ही ठंडा है। बहुत अच्छा यहाँ का एनवायरमेंट है। आसपास में वादियां आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी है। और इठारना इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इठारना अब कनेक्ट करने वाला है जॉली ग्रांड से और सीधा आगरा खाल को। जी हाँ, ऋषिकेश को, नरेंद्र नगर को पूरी तरह से बाईपास कर दिया जाएगा और जितने भी तीर्थ यात्री हैं, जितने भी गंगोत्री, यमुनोत्री, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, इन सभी जगहों में जो भी यात्री जाते हैं वे सभी रानी पोखरी से होते हुए इठारना के रास्ते सीधा आगरा खाल पहुंचेंगे। तो इसीलिए, इस वजह से भी इठारना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शहर के बिल्कुल नजदीक ये जगह है। ऋषिकेश, देहरादून दोनों के काफी नजदीक इठारना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, बहुत अच्छी लोकेशन है। और आज हमारा यहाँ आने का कारण भी यही है कि हम कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज की तलाश में इठारना आए हैं। आपके लिए कुछ अच्छे ऑप्शंस, अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आज हम यहाँ पर आए हैं। तो वीडियो में बने रहें, चलते हैं आगे, देखते हैं अभी हमें और क्या मिलने वाला है। सुंदर प्राकृतिक नज़ारों से लबालब भरा हुआ इठारना पर्यटन की दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इठारना में आपको बहुत सारे होम स्टे, कैफे, रेस्टोरेंट, होटल्स बने हुए मिल जाते हैं। सामने इठारना का महादेव मंदिर, श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ हर समय उमड़ी रहती है। अब तो बाहर के दूसरे राज्यों से आने वाले पर्यटक भी इठारना महादेव मंदिर में आने लगे हैं। मोबाइल के नेटवर्क इठारना में मौजूद हैं और बहुत सी परियोजनाएं इठारना में इस समय चल रही हैं। इनमें से ही एक परियोजना सड़क की इस समय जो हमारे सामने है ये चल रही है। इठारना से कुखई तक बनने वाली ये रोड ग्रामवासियों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। नज़ारे बहुत ही शानदार इठारना में आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ऋषिकेश और उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा भीड़ भड़ाका रहता है, तो पर्यटक यही चाहते हैं कि भीड़ से दूर रहें, थोड़ा शांति में रहें, तो इठारना उनके लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। इठारना में हमारे पास मौजूद हैं कुछ बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेहतरीन ऑप्शंस। अभी करेंटली हमारे पास एक 2.5 बीघा लैंड है और 5 बीघा लैंड है। मेन जो इठारना गांव है वहीं पर आपको ये सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी हमारे पास अवेलेबल है अगर आप सेकंड होम बनाना चाह रहे हैं। अगर आप एयरपोर्ट के नज़दीक एक ऐसी जगह में सेकंड होम बनाना चाहते हैं जहां आप इजीली पहुंच जाएं, जहां सभी सुविधाएं आपके नज़दीक हो, और अगर जैसे अपना कुछ टाइम आप यहां बिता के एक ही दिन में ऋषिकेश जाना चाहें, यहां से आप देहरादून जाना चाहें, मसूरी जाना चाहें, कहीं भी जाना चाहें, तो सेकंड होम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे पास बहुत अच्छी प्रॉपर्टी अवेलेबल है जिसमें आपको रोड कनेक्टिविटी काफी अच्छी मिल जाती है, सुविधाएं आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। इठारना काफी ज्यादा डेवलप
एरिया है, ये पहाड़ों के जैसे और बाकी जैसे पहाड़ होते हैं कि जहां रोड नहीं होती या फिर सुविधाओं का अभाव रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इठारना में आपको सभी सुविधाएं मिल जाती हैं। यहाँ पर एजुकेशन के उससे भी देखें तो स्कूल्स काफी अच्छे स्कूल बने हुए हैं, मार्केट यहाँ पे छोटी मोटी दुकानें आपको बहुत सारी मिल जाती हैं, कैफे यहाँ पे मिल जाते हैं, होम स्टे यहाँ पे काफी अच्छे बने हुए हैं, रेस्टोरेंट यहाँ पे काफी ज्यादा बने हुए हैं। तो सेकंड होम के हिसाब से अगर आप जगह की तलाश कर रहे हैं ना, तो हमारे पास कुछ बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको 150, 200, 250 गज जितनी जमीन चाहिए उतने प्लॉट्स आपको मिल जाएंगे, और बहुत ही अच्छे रेट्स में, बहुत कम रेट्स में आपको यहाँ पर प्लॉट्स मिलने वाले हैं। अगर आप बीघे में जमीन चाहते हैं तो बीघों में भी जमीन अवेलेबल है, अगर आप स्क्वायर यार्ड्स में जमीन चाहते हैं तो आपको उसमें भी प्लॉट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो सेकंड होम के पॉइंट ऑफ व्यू से इठारना बहुत अच्छी जगह है। एयरपोर्ट से इठारना की टोटल डिस्टेंस लगभग 20 किलोमीटर है, लगभग 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपको एयरपोर्ट मिल जाता है, जॉलीग्रांट 20 किलोमीटर में मिल जाता है, ऋषिकेश यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो ऋषिकेश भी नजदीक है, देहरादून भी नजदीक है, एयरपोर्ट भी नजदीक है, तो बहुत ही अच्छे ऑप्शंस आपको इठारना में हम देने वाले हैं। अगर आपको विजिट करना है, साइट विजिट करना है, तो आप हमें संपर्क करें, आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, बाकी साइट में आइए विजिट कीजिए। बाकी प्लॉट्स के और लैंड के रेट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अन्य किसी जानकारी के लिए आप हमें कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए। तब तक के लिए हम किसी और नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ मिलते हैं। आज की इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।